ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स में नजर आने वाले कौन से है वो तीन सबसे रेयर सिक्के जो पास्ट में ऑक्शन हुए हैं 30 लाख रुपए से भी ऊपर की कीमत में। जॉर्ज सिक्स का कौन सा है वो वन क्वार्टर आना कॉइन जो है सबसे ज्यादा रेयर और रखता है सबसे ज्यादा कीमत। तो आप सभी के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं चिलर गन के इस Q&A में जो कि है CGQA 51। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूँ इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिलर। सो वेलकम टू चिलर ज्ञान। इस Q&A सीरीज में हम कवर कर रहे हैं CGQA 50 से पहले पूछे गए पेंडिंग क्वेश्चंस को और ये चलने वाली है लगभग 10 से 15 दिन, इसलिए CGQA 50 और आज के इस Q&A के बाद पोस्टेड सभी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे मिड नवंबर ऑनवर्ड्स। तो जो चिलर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं जो Q&A में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको CGQA रूल्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। आप सभी को इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस Q&A वीडियोस में लिए जाएंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज का ये Q&A जो कि है CGQA 51। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद अयमान उल कादर जी ने, ये जानना चाहते हैं कि ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स में सबसे रेयर सिक्का कौन सा है और इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो मोहम्मद जी, वैसे तो हमें ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स में काफी सारे दुर्लभ सिक्के देखने को मिलते हैं लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा तीन एक्सट्रीमली रेयर ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स के बारे में जो रखते हैं बहुत ही ज्यादा कीमत कॉइन कलेक्टर्स में। तो सबसे पहला है ईयर 1939 में बॉम्बे मिंट से जारी किया गया किंग जॉर्ज सिक्स का ये एक्सट्रीमली रेयर 1 रुपी सिल्वर कॉइन। फाइन कंडीशन में ही ये सिक्का 3 लाख रुपए से भी ऊपर की कीमत रखता है। UNC कंडीशन में तो ये सिक्का आज की डेट में मिल पाना काफी ज्यादा मुश्किल है लेकिन फिर भी अगर बाई चांस ये सिक्का आपको मिलता है तो इसकी कीमत 3 से 4 गुना जा सकती है। प्रूफ के लिए आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पास्ट में मरुदर आर्ट्स के एक ऑक्शन पे ये एक्सट्रीमली रेयर 1 रुपी कॉइन ऑक्शन पे रखा गया था 4 लाख से 5 लाख रुपए के एस्टिमेटेड प्राइस पे और ये फाइनली सेल हुआ था 4.5 लाख रुपए में और इस सिक्के की कंडीशन थी वेरी फाइन कंडीशन। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना रेयर और कीमती सिक्का है। अब 1939 का यही 1 रुपए का सिक्का इतना ज्यादा रेयर सिक्का क्यों है और इस सिक्के में नजर आने वाले बहुत सारे फेक सिक्कों से कैसे बचें, इसे हमने डिटेल में समझाया है अपने एक पुराने वीडियो में जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जरूर चेक करें। अब 1939 के इस 1 रुपए के सिक्के से भी बहुत ही दुर्लभ और कई गुना कीमती ब्रिटिश इंडिया कॉइन है ईयर 1835 में कैलकटा मिंट से जारी किया गया विलियम फोर का 2 मोहर गोल्ड कॉइन। 23.5 ग्राम का 2 मोहर का ये सोने का सिक्का वन ऑफ द एक्सट्रीमली रेयर ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स में से एक है। फाइन कंडीशन में ही ये एक सिक्का 10 लाख रुपए से भी ऊपर की कीमत रखता है। प्रूफ के लिए आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मरुदर आर्ट्स के एक पास्ट ऑक्शन में 2 मोहर का ये जो गोल्ड कॉइन है इसका प्रूफ स्ट्राइक ऑक्शन पे रखा गया था और इस सिक्के की कंडीशन थी अल्ट्रा कैमियो यानी कि परफेक्ट मिंट स्टेट कंडीशन और ये एक ग्रेडेड सिक्का था, इसका ग्रेड था PF64 और PF यहाँ पे बताता है कि ये एक प्रूफ कॉइन है। इस 2 मोहर गोल्ड कॉइन का एस्टिमेटेड प्राइस रखा गया था 15 लाख से 20 लाख रुपए के करीब और ये सिक्का फाइनली सेल हुआ था 16.5 लाख रुपए में। तो आप देख सकते हैं कि इस एक सिक्के को अपनी कलेक्शन में ऐड करने के लिए किसी बायर को कितनी ज्यादा कीमत देनी पड़ी है। अब सबसे टॉप में मेरे हिसाब से जो ब्रिटिश इंडिया का सबसे दुर्लभ सिक्का आता है वो है ईयर 1840 का ये 1 रुपी सिल्वर कॉइन। अब आप सभी इसे नॉर्मल विक्टोरिया कॉइन का 1 रुपए का सिक्का ना समझ बैठे हैं, ये सिक्का ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स में नजर आने वाला सबसे ज्यादा रेयर म्यूल कॉइन है और इसी वजह से 1840 के इस सिक्के के ओवरसाइड साइड में आपको विक्टोरिया क्वीन नहीं विलियम फोर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं आप सभी को क्लियर करना चाहूंगा कि विलियम फोर के सिक्के हमें केवल ईयर 1835 में ही देखने को मिलते हैं और 1840 में हमें विक्टोरिया क्वीन नजर आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विलियम फोर का देहांत 1837 में हो गया था।
लेकिन 1840 के इस एक्सट्रीमली रेयर म्यूल कॉइन में रिवर्स डाई यूज हुआ है 1840 के विक्टोरिया क्वीन का और ओवर्स डाई यूज हुआ है 1835 के विलियम फोर का, जिस वजह से ये सिक्का फॉर्म हुआ और ये सिक्का आज की डेट में कुछ ही गिने चुने सीनियर कलेक्टर्स की कलेक्शन में है। फाइन कंडीशन में ही ये सिक्का भी 10 लाख रुपए से भी ऊपर की कीमत रखता है। यूएनसी ग्रेड में तो इस सिक्के की कीमत का मूल्यांकन करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसकी कीमत यूएनसी ग्रेड में काफी ज्यादा हाई जा सकती है, क्योंकि शौक की कोई कीमत नहीं होती है और दुर्लभ सिक्कों का शौक रखने वाले ऐसे सिक्कों की ऑक्शन में कितनी भी ज्यादा हाईएस्ट बिड कर सकते हैं जो कि शायद एस्टिमेटेड प्राइस से भी काफी ज्यादा हो। प्रूफ के लिए आप सभी इसे भी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पास्ट में मरुधर आर्ट्स की एक ऑक्शन में ये सिक्का ऑक्शन पे रखा गया था और इसका एस्टिमेटेड प्राइस था 12 लाख से 13 लाख रुपए के करीब और ये सिक्का फाइनली सेल हुआ था 12,25,000 रुपए में। तो आप सभी देख सकते हैं कि ये तीनों ही सिक्के जो हमने डिस्कस किए, ये ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स के कितने ज्यादा रेयर और कीमती सिक्के हैं और इनका ऑक्शन प्राइस का अगर हम टोटल करें तो ये लगभग 33 लाख रुपए से भी ऊपर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है लिरिक्स बेस्ट नाम के एक प्रोफाइल से। इन्होंने अपने 2-5 रुपए के सिक्कों की इमेजेस हमारे साथ शेयर की है जो कि 2011 और 2017 के सिक्के हैं। ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सिक्के म्यूल कॉइन्स हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2011 और 2017 के आपके जो 5 रुपए के सिक्के हैं ये म्यूल कॉइन्स तो नहीं है बट रेगुलर कॉइन्स भी नहीं है। ये दोनों ही 5 रुपए के सिक्के कंप्लीटली फेक कॉइन्स हैं। इन सिक्कों के अशोक स्तंभ को अगर आप देखेंगे तो इसके पोर डिजाइन से आपको समझ आ जाएगा कि ये दोनों नकली सिक्के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उदय बालिगा जी ने। ये बताते हैं कि रिसेंटली इन्होंने संत तुकाराम का यूएनसी सेट परचेज किया है जिसमें 3 कॉइन्स हैं और ये बताते हैं कि इन्हें पता है कि इसी सेट में नजर आने वाले जो प्रूफ सेट्स हैं उसमें 4 कॉइन्स नजर आते हैं, लेकिन हाल ही में इन्हें ऑनलाइन एक ऐसा यूएनसी सेट देखने को मिला है जिसमें 3 सिक्कों के मुकाबले 4 सिक्के हैं जैसा कि प्रूफ सेट में देखने को मिलता है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये 4 कॉइन वाला यूएनसी सेट जेन्युइन सेट है। तो उदय जी यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि संत तुकाराम के जो नॉन सर्कुलेटिंग सेट्स हैं उसमें हमें फर्स्ट स्ट्राइक और सेकंड स्ट्राइक सेट्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट स्ट्राइक सेट्स की अगर हम बात करें तो उसमें प्रूफ सेट में हमें नजर आते हैं 4 सिक्के, 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए और 2 रुपए के सिक्के जैसा आपने बताया है। और जो यूएनसी सेट है उसमें नजर आते हैं 3 सिक्के 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए जो कि आपने परचेज किया है, यानी कि आपका परचेज किया हुआ सेट फर्स्ट स्ट्राइक का सेट है। लेकिन संत तुकाराम के यही सिक्के ईयर 2013 में रीस्ट्राइक किए गए। तो ये जो रीस्ट्राइक सेट्स हैं इसमें नजर आने वाला जो यूएनसी सेट है उसमें पहले 3 सिक्कों के मुकाबले अब 4 सिक्के हैं, यानी 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए के सिक्के के साथ साथ 2 रुपए का सिक्का भी। तो जिस सेट को आपने ऑनलाइन देखा है वो रीस्ट्राइक वाला ये यूएनसी सेट है। और ऐसे ही रीस्ट्राइक सेट्स में हमें प्रूफ सेट भी देखने को मिला और इसमें एज यूजुअल नजर आए यही 4 सिक्के। तो आई होप आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उमंग पंवर जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1992 में कैलकटा मिंट से जारी किया गया जो 5 रुपए का सिक्का है उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो उमंग जी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईयर 1992 में जारी किया गया जो कॉपर निकल का डेफिनेटिव 5 रुपए का सिक्का है ये हमें देखने को मिला था बॉम्बे, कैलकटा और हैदराबाद मिंट से। सभी मिंट से जारी किए गए ये सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं और सर्कुलेशन में मिल जाते हैं और यूएनसी कंडीशन में इन सिक्कों का एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 30 रुपए के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आनी वर्ल्ड नाम के एक प्रोफाइल से। ये बताते हैं कि इनके पास 1941 का एक 1/4 आना कॉइन है इन यूएनसी कंडीशन। ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई रेयर सिक्का है और इसकी क्या वैल्यू है आज की डेट में। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईयर 1941 में जारी किया गया जो किंग जॉर्ज 6 का 1/4 आना कॉइन है ये जारी किया गया था बॉम्बे और कैलकटा मिंट से। पर यहाँ पे आपने ये मेंशन नहीं किया है कि आपके पास जो सिक्का है वो कौन से मिंट से जारी किया गया सिक्का है। फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो कैलकटा मिंट का सिक्का है वो स्कैर्स कैटेगरी में आता है और यूएनसी कंडीशन में एस्टिमेटेड प्राइस रखता है लगभग 150 रुपए के करीब। लेकिन जो बॉम्बे मिंट का 1941 का 1/4 आना कॉइन है वो जॉर्ज 6 के 1/4 आना कॉइन्स में नजर आने वाला सबसे रेयर 1/4 आना कॉइन है। फाइन कंडीशन में ही इसकी वैल्यू लगभग 1,000 रुपए के करीब है जबकि यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का 5,000 रुपए तक जा सकता है। अब कैसे पहचाने कि 1941 का 1/4 आना कॉइन कैलकटा मिंट से जारी किया गया है या फिर बॉम्बे मिंट से?
तो अगर आपको सिक्के के रिवर्स साइड में जो लेजेंड वन है उसके एन अल्फाबेट के ऊपर डॉट देखने को मिलता है, इसका मतलब वो रेयर 1941 का क्वार्टर आना कॉइन है जो कि बॉम्बे मिंट से जारी किया गया है। लेकिन अगर आपको इस एन अल्फाबेट के ऊपर कोई भी डॉट देखने को नहीं मिलता है तो वो कैलकटा मिंट से जारी किया गया स्केयर्स कैटेगरी का सिक्का है। तो जरूर आप अपने सिक्के को चेक करें इस मिंट मार्क की आइडेंटिफिकेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राकेश कुंदरिया जी ने, ये जानना चाहते हैं कि इनके पास 10 पैसे का कनाडा मिंट का सिक्का है तो इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो राकेश जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 पैसे के जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के ये सिक्के हैं, ये फॉरेन मिंट ओटावा कनाडा से हमें ईयर 1988 में ही देखने को मिलते हैं। ऐसे सिक्कों में हमें ईयर 1988 के नीचे सी मिंट मार्क देखने को मिलता है जैसा कि आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओटावा मिंट कनाडा से जारी किए गए ये जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के 10 पैसे के सिक्के हैं, ये कॉमन कैटेगरी के सिक्के हैं। यूएनसी कंडीशन में इनकी कीमत लगभग 5 रुपए के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुश्ताक खान जी ने, ये बताते हैं कि ये कमेमोरेटिव कॉइन्स के प्रूफ सेट्स, यूएनसी कॉइन सेट्स और सिंगल यूएनसी कॉइन सेट्स इशूड बाय हैदराबाद मिंट इनके कलेक्टर हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हैदराबाद मिंट के यूएनसी सिंगल कॉइन सेट्स को परचेज करना चाहिए। तो मुश्ताक, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सिंगल कॉइन यूएनसी सेट्स हैदराबाद मिंट से जारी किए गए हैं वो गुड फॉर कलेक्शन है और नॉर्मल फायदा दे सकते हैं फ्यूचर में। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो आप यूएनसी सेट्स के मुकाबले कोलकाता और मुंबई मिंट से जारी किए गए प्रूफ सेट्स में इन्वेस्ट करें, ये आपको ज्यादा फायदा देंगे। क्योंकि जो प्रूफ सेट्स होते हैं उनकी डिमांड और प्राइस यूएनसी सेट्स के मुकाबले कंपैरेटिवली ज्यादा होती है कलेक्टर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वजीर हुसैन जी ने, ये बताते हैं कि इनके पास 5 रुपए का मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का 5 रुपए का स्मारक सिक्का है तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईयर 2013 में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की 125th एनिवर्सरी पे जारी किया गया था ये 5 रुपए का स्मारक सिक्का और ये नजर आया था इंडिया के सभी मिंट से, यानी कि बॉम्बे, कैलकटा, हैदराबाद और नोएडा मिंट। बॉम्बे, कैलकटा और नोएडा मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं और सर्कुलेशन में आपको मिल जाएंगे और यूएनसी कंडीशन में इनका एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 20 रुपए के करीब है, जबकि हैदराबाद मिंट का सिक्का स्केयर्स कैटेगरी में आता है और यूएनसी कंडीशन में लगभग 100 रुपए कीमत रखता है। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने कंप्लीट किए आपके कुछ और क्वेश्चंस इस Q&A CGQA 51 में। बाकी पेंडिंग क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे आने वाली Q&A सीरीज में जो हम बैक टू बैक लेके आएंगे। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ये Q&A और अपने क्वेश्चंस के जवाब जरूर हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी कलेक्टर्स के लिए भी हेल्पफुल हो। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप देखना चाहते हैं हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग वीडियोस तो जरूर चेक करें हमारा दूसरा चैनल मिया मिठू ऊपर आई बटन पे क्लिक करके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आर वीडियो, मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट Q&A वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड टू चिलर ज्ञान, टिल देन जय हिंद।